हाय एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे आप अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट कौन कौन से लगा सकते हो और कौन से बढ़िया रहते हैं। आपने देखा होगा आप अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट लगाते हो और वह सूख जाते हैं, वह क्या कारण है, हम आपको बाय स्टेप बाय बताने वाले हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें और जो भाई नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम मनी प्लांट का पौधा लेते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर मनी प्लांट सूख जाता है और वो ऊपर नहीं बढ़ता, उसमें क्या कारण है। तो फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मनी प्लांट में जो सावधानी बरतनी है वो आपको क्या क्या है। सबसे पहले आप मनी प्लांट में ये देखें, जो हमारा ख़राब पत्ता रहता है इसको आपको तोड़ देना चाहिए। जो भी ख़राब पत्ता होता है उसे यहाँ से टच कर देना चाहिए। और दूसरा नंबर की बात पे आती है तो फ्रेंड, मनी प्लांट का पौधा अगर आपका ज़मीन से टच हो रहा है तो उसे ज़मीन से टच नहीं होने दें, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा जो ज़मीन से टच होता है वह अच्छा नहीं होता। फ्रेंड, उसको अगर आपके पास डंडा नहीं है तो एक लकड़ी सपोर्ट करी कर दें और आप उस पर आप इस हिसाब से लपेटें। आपको ध्यान रहे ऐसे करके सीधे ही चक्कर लपेटें, यानी कि नो उल्टा नहीं लपेटें, क्योंकि मनी प्लांट सीधे चक्कर से ही हमको फ़ायदा देता है। आप अपना मनी प्लांट इस प्रकार से लपेटेंगे। और फ्रेंड, आपको ध्यान रहे जब भी आप मनी प्लांट के अंदर पीली पत्ती देखें उसको तोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने मनी प्लांट को लपेट सकते हैं, ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड, मनी प्लांट आपको ध्यान रहे आपसे आप अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा मनी प्लांट के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। और एक और बात है जो इसकी आपको अभी तक मालूम नहीं होगा, जिन भाइयों को मालूम है वो भी ध्यान से सुने। मनी प्लांट का पौधा आप जब भी लगाएं पहले इसे यहाँ से कट करने के बाद पानी में धो दें। पानी में धोने के बाद फिर इसको मिट्टी में लगा दें, आपका मनी प्लांट बहुत ही जल्दी आसानी से ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडोर प्लांटों की। आप अपने घर के अंदर कौन कौन से प्लांट लगा सकते हो? तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं सुख शांति का पौधा। आपने देखा होगा सुख शांति का पौधा हमारे घर में ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। जैसे कि हम समी का पौधा, मनी प्लांट का पौधा और आमले का पौधा, ये पूजा के पौधा हैं, जैसे बेलपत्र है, इनको लगाते हैं। यह भी पौधा आप सुख शांति का मंगा सकते हैं। यह पौधा बहुत आसानी से नर्सरी से मिल जाएगा। आपको नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको 30 या 20 रुपये का मिलेगा, अगर माली से लेंगे तो आपको 40 या 50 रुपये का देगा। अब दूसरा नंबर का मेरा पौधा है, यह पौधा बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इसे छोटे से छोटे कंटेनर गमले में भी लगा सकते हैं। यह पौधा ब्रह्मी का पौधा होता है, यह पौधा बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। अब मेरा जो तीसरे नंबर का पौधा होता है, यह देखो, यह भी आप छोटे से कंटेनर गमले में लगा सकते हो, कमल की तरह खिलने वाला पौधा है। अगर आपने एक पौधा यह लगा दिया तो आपका गमला पूरा भर जाएगा और बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। अब मेरा जो पांचवा पौधा आता है, सेगोनियम का पौधा। सेगोनियम तो आपने देखा होगा इसकी पत्ती बड़ी होती है पर ये हमारा बोन साइज छोटा पौधा है, इसे भी आप अपने गमले में लगा सकते हो। जैसे इसके यहाँ से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलें आप उन्हें यहाँ से निकाल के अलग गमले में एडजस्ट कर सकते हो। ये सेगोनियम का पौधा आपके यहाँ पर इंडो प्लांट खूब आसानी से चलेगा। अब हम बताएंगे इंडो प्लांट आसानी से कैसे चलते हैं। इनमें आप पानी की मात्रा इतनी दें जितना ये इसको चाहिए। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटिंग करते हैं तो ये पौधा हमारा सूख जाएगा। अब बात करते हैं सनोप इंडिया की। यह पौधा अपने आप को बहुत ही खूबसूरत दिखता है, हरे में पीलापन। यह इंडोर और आउटडोर कहीं भी आप इस पौधे को रख सकते हैं। अगर आप इसे आउटडोर रखना चाहते हैं तो कम से कम इसमें 2 घंटे की धूप लगनी चाहिए और यह पौधा आपका बहुत ही अच्छा लगेगा। सन ऑफ इंडिया का पौधा है। अगर आप इसे घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रहे यह बाहर नहीं रखना, क्योंकि आप बाहर रखते हैं तो इस तुरंत ही पौधा 2-4 दिन में सूख जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट पौधा आता है, देखो, ड्राचिनिया का पौधा। यह पौधा बहुत ही अच्छा लगता है, फुहारे की तरह होता है। इसका रेड रंग का भी पौधा आता है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा।
यह पौधा भी इंडोर प्लांट आसानी से हो जाएगा। इसकी खूबसूरती बहुत ही प्यारी लगती है, एक फारे की तरह। अगर आप इसमें झल्लर लगाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं जो आपसे कह रहा था, जिसका रेड पौधा होता है, यह रेड वाला पौधा है। अगर आप नर्सरी से दोनों लाएंगे तो आपको 70 या 80 रुपये का मिलेगा। यह पौधा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं आपको इस पौधे को मात्र 50 रुपये का दे दूँगा। मुझे कमेंट में बताएं आप कहाँ से हैं। अगर आप अब मेरा जो नेक्स्ट पौधा आता है, एरी पाम का पौधा। एरी पाम का पौधा हमारे घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पौधे को भी आप अपने घर के अंदर कहीं भी लगा सकते हो। यह पौधा बहुत ही एवरग्रीन, अच्छा ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है। इसमें भी आप ज़्यादा ओवर वाटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये पानी से सूख जाएगा। और इसकी जब भी पत्तियों पर आप पानी मारें, फारा बना के मारें, क्योंकि फारे से इसकी जो पत्ती हरी भरी रहेंगी, जो हमारी गर्द हो जाती है, वो भी नहीं जमेगी और हमारा एकदम पौधा शुद्ध रहेगा। जब अगर आपके घर पर यह पौधा एरी पाम का लगा हुआ है, तो आप इसमें ऐसे करके उसे कर दें, जो इसमें गर्द होती है वह पौधा की निकल जाएगी और हमारा पौधा बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही एक हमारा ये प्लांट है, स्पाटर गोल्डन प्लांट भी कहते हैं इसे। यह पौधा बहुत ही अच्छा है, इसका दूसरा नाम भी है। जिन भाइयों को इसका नाम है, मुझे कमेंट में बताएं। यह पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। अब फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा यह पौधा कौन से गमले में नहीं लगाना चाहिए। जो आपका पीला गमला पौधा देख रहे हैं, तो ये पीले वाले गमले में नहीं लगाना चाहिए। पीला छोड़कर कोई भी गमला लगा दें, उससे पौधा बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपके गार्डन में, जैसे ये हमारा ग्रीन है, हरा गमला है, तो उसे नहीं लगाएं, उसे दूसरा मैच करके लगाएंगे, तो आपके गार्डन सुंदर लगेगा, आपका पौधा सुंदर लगने लगेगा। तो फ्रेंड, आपको हम बता दें मिट्टी किस प्रकार बनानी है। तो फ्रेंड, आपको दो हिस्सा मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा गोबर की खाद, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा बालू रेत, और मिला कर नहीं है मिक्सर कर देना है और अपने पौधों को गमले में लगा देना है। अब फ्रेंड, हम जानते हैं बहुत से मेरे माता बहनें इन गमलों में होल नहीं करती, जो कि इसमें आप देख रहे हैं नीचे होल होता है। इसमें एक होल कर लें, होल करने के बाद एक पत्थर रख लें। पत्थर रखने से यह होगा, जो हमारी ओवरडिंग वाटिंग यानी पानी ज़्यादा हम डालते हैं, और वह निकल जाएगा और उसे सांस भी पौधा लेगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। जो भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे जो हम वीडियो बनाएं आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।